हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव भगत और मैं एक ENT सर्जन हूँ। अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में अपनी सर्विस दे रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है क्रॉनिक एडिनोइडाइटिस, नाक के पीछे मांस का बड़ा होना, जो कि बच्चों में नॉर्मल होता है, उसे बोलते हैं एडिनोइड्स। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? अगर कोई बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है, नाक से उसे प्रॉब्लम आ रही है, या सोते समय वो मुंह खोलता है, खराटे मारता है, उसकी नींद बार बार खुलती है, उसके दांत का जो साइज है वो बाहर आ रहा है, तो ये सब कुछ एक चीज़ को इंगित करता है कि उसके नाक के पीछे का मांस बढ़ रहा है, जिसे बोलते हैं हम एडिनोइड्स। चलिए अभी हम जानते हैं कि ये एडिनोइड्स क्या होता है। एडिनोइड्स एक टिश्यू होता है जो कि हमारे नाक के बैक साइड में होता है, इसे हम नाक के टॉन्सिल भी बोलते हैं। ये अगर किसी वजह से बार बार हमारे गले में या नाक में इन्फेक्शन हो रही है तो इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसका नॉर्मल काम ये होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रही है तो उसे रोके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन होने से इनका साइज़ बढ़ जाता है और फिर बच्चों को ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। अब हम इस बात पे आते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बच्चे अपना नॉर्मल डाइट लेते हैं तो उससे ये चांसेस के कम होते हैं। अगर वो बार बार बाहर से कुछ स्नैक्स या ऐसी चीज़ें, चटपटी चीज़ें लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो माता पिता हैं अपने बच्चों को जो घर की नॉर्मल डाइट्स हैं, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो, वो दें। अब जानते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। इसका इलाज बहुत सारे केसेस में दवाइयों के साथ हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस जिनका इलाज हम दवाइयों से नहीं कर पाते हैं या उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो, तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अराउंड 80% बच्चे जिनको ये मांस होता है वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अराउंड 20% बच्चे, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम आते हैं कि क्या इसको हम सर्जरी के द्वारा कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की, इसके ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 और 2 ग्रेड्स जो है विद मेडिसिन ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 और 4 उसमें इनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए सबसे लेटेस्ट सर्जरी जो है वो एंडोस्कोपिक एडिनोडेक्टमी कोबुलेशन के द्वारा, जो कि हमारे हॉस्पिटल में की जाती है, उससे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है।